आप लोग फिर से जुड़ चुके हैं हमारे खास चैनल और खास जो पर इस वक्त मैं फिर से बड़ी जानकारी लेकर आया हूं। आप लोग बड़े बड़े थंबनेल और बड़े बड़े वीडियो देखते हैं जो आपको उल्लू बनाते हैं। मैं खुले शब्दों में कहता हूं क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता हूं, क्योंकि सहारा ने एक बार आपको ठगा और बार बार ये वीडियो बना बना के लोग ठग रहे। बड़ी खबर जो निकल के आई उस पर हम चर्चा करेंगे और हम जानकारी लेकर आते हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है आपकी और आपके इन चैनलों या उन थंबनेलों से जो कहते हैं कि सहारा का पैसा अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब सहारा का पैसा मिल गया, ये सब फर्जी बातें और झूठी बातें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ बड़ी खबर पर, क्योंकि आप जानकारी देने आते हैं यहाँ, ये बताने नहीं आते, पैसे बांटने नहीं आते हैं कि लीजिए आपके सारे के पैसे। मैं ये बताने आता हूँ कि कब पैसे आपके मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको जागरूक किया है और यही अपील की है कि आप लोग बड़े बड़े थंबनेल मत जाइए, आप लोग बस इसी पर जाइए कि कब सुनवाई है और सुनवाई में आखिर नतीजा क्या निकल कर और आगे की सुनवाई में क्या नतीजा आएगा, कब पेमेंट होगा। सारा से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर हम लेकर आए उसमें सुनवाई को लेकर ही है और सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा उसको लेकर भी मैं कुछ हिंट दे सकता हूं कि सुनवाई के बाद क्या फैसला आ सकता है। क्योंकि जब सुनवाई होगी कहीं ना कहीं कोई फैसला आएगा, ऐसा नहीं होगा कि सुनवाई होती रहे कोई फैसला ना, क्योंकि ये कोर्ट के मसले हैं, इनमें हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भारत देश के अंदर कोर्ट को सर्वोपरि माना जाता है, उसके आदेश को सर्वोपरि माना जाता है। वो कोर्ट चाहे हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट सर्वोपरि माना जाता है, इसमें कोई दोहराय नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर जो लेकर आ रहा हूं, चलो सुबह बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग स्किप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब सब लोग आप लोग कहते हैं ये लोग अपनी अपनी गा रहे हैं और हम लोगों के लिए कुछ लेकर आए कुछ नहीं बता रहे हैं। मैं बता दूँ सहारा सेबी का जो विवाद छिड़ा हुआ, उस विवाद में आगे क्या होने वाला है, आप लोगों का पैसा कब वापस मिलेगा, उसको लेकर मैं चर्चा कर लेता हूँ। 10, 11 और 12 जनवरी को 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला। इस बात की जानकारी मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ, एक बहुत बड़ी जानकारी है, लोगों तक जरूर पहुँचा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात से अवगुरु करा दें, रूबरू करा दें, उसको बता दें, जानकारी दे दें कि आप जो बड़ी सुनवाई होने जा रही है इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला ज़रूर आएगा। ये फैसला कुछ भी हो सकता है, आप लोगों के पक्ष में हो सकता है या फिर इन पर कार्रवाई भी हो सकती है। सहारा सेबी के विवाद से कौन वाकिफ नहीं है? अगर आप लोग सहारा सेबी के विवाद को नहीं जानते हैं या सहारा सेबी के बारे में भी नहीं जानते, कमेंट करके जरूर बताएं। इसको लेकर भी मैं आपको जल्द एक बहुत बड़ा और विस्तार से वीडियो दूंगा जिसमें आपको जानकारी हो जाएगी कि सहारा सेबी का आखिर ये विवाद क्या है और किस तरह निपट सकता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीजें हैं जो आप इस वीडियो के चक्कर में सीख सकते हैं। इस वीडियो को आप देखते हुए बहुत चीजें हैं जो विस्तार से जान सकते हैं। अगर इस वीडियो को और अन्य वीडियो को हमारे आप विस्तार से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बड़े बड़े थंबनेल वाले वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ बड़े बड़े थंबनेल लगे चूना लगा रहे हैं। पहले सारा ने चूना लगाया, वो बड़े बड़े थंबनेल वाले कि आप वो आ जाएगा आपका, आप मिल जाएंगे पैसे के, मिल गया उनको मिल गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो आप जो सुनवाई की बात करना है उस पर चलो आ जाते हैं, क्योंकि बुराई करना मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा सिर्फ आप जागरूक करना है। मैंने पहले ही कहा कि जो जानकारी मेरे पास सबसे पहले आती है मैं तुरंत आपके पास शेयर कर देता हूँ। अगर जानकारी नहीं होती हम लोग शांत बैठते, कोई ऐसा वीडियो नहीं डालते जिससे जो भ्रमक हो, जिससे आप लोगों को दिल पर ठेस ना पहुंचे या ये चीज ना लगे कि हम लोग आप लोगों को उल्लू बना रहे। चलो जैसा कि बताया कि 10, 11 और 12 जनवरी को सुनवाई होने जा रही है, ये सुनवाई ऐसी वैसी सुनवाई नहीं है, इसको लेकर सारी जो 65 करोड़ लोगों को बताया जाता है निगाहें टिकी हुई हैं, जो सारस जुड़े हुए थे उनका पैसा डूबा हुआ था, अभी पैसा फंसा हुआ है कहीं ना कहीं, उन सभी की इस सुनवाई पर पूरा सुनवाई पर फैसले को लेकर निगाहें टिकी हुई है। कहीं ना कहीं वो लोग भी ये उम्मीद लगाए बैठे हुए इस सुनवाई में बड़ा फैसला होगा और भर के क्यों ना हो भाई, ये बताइए आप लोग, इतने दिन हो चुके हैं उनका फैसला पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं चलती रहेंगी कहीं ना कहीं, अब वो एक अहम पल और अहम घड़ी आ चुकी है जो आप लोगों के लिए खुशखबरी जरूर बन सकती है। अब खुशखबरी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम फर्जी बात हो सकती है, क्योंकि खुशखबरी ऐसा, क्योंकि अभी मैंने कहा कि नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा कि सुनवाई है, खुशखबरी इसलिए हम बात कर रहे हैं, खुशखबरी इसलिए हो सकती है क्योंकि ये सुनवाई पहले भी और भी ऐसी कई तारीखें लगती रही, लेकिन इस बार सुनवाई में लेकर जो पहले मैंने वीडियो में बताया कि फटकार लगी थी सेबी को लेकर, जब फटकार लगी उसके बाद आई हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं सीएससी को लेकर, मतलब जितने भी सेबी सहारा सीएससी सभी हैं तो ये बचाव कर रही हैं, अब कहीं ना कहीं पेमेंट देने के मूड में जरूर दिख रही हैं। क्योंकि मैंने जो वीडियो अगले बनाए थे सारा से भी जिस ऑफिस खुलने लगे, तो ऑफिस कहीं ना कहीं ऑफिस खोलने के लिए सिर्फ बैठने के लिए नहीं खोले गए हैं कि आइए आप एसी की हवा लीजिए, ठंडे की हवा लीजिए, इसलिए नहीं खोले, कहीं ना कहीं काम के लिए ऑफिस खोले गए हैं। तो एक बहुत बड़ी जानकारी थी जो आप लोगों के बीच मैंने शेयर करी, इस जानकारी को आप सभी तक पहुँचा दीजिए, आप लोग सुनिए 10, 11, 12 और क्या फैसला हो सकता है, इसको लेकर मैं और भी कई वीडियो बनाऊंगा जो आप लोग देखना जरूर देखना, और क्या इस फैसले के बाद आपका पेमेंट मिल सकता है, अगर मिलेगा भी तो कैसे मिलेगा, क्या कागजों की जरूरत होगी, इसको लेकर